Hello students, welcome again to your class of business study. In my last lecture, we have started a new topic, that is business risk. We studied about the meaning of business risk and the important features of business risk. हम लोगों ने business risk का meaning पढ़ा था and then we studied about the features or nature of business risk. And in today's lecture, we are going to continue the further topic, that is causes of business risk and types of business risk. हम लोग next topic पढ़ने वाले हैं आज इस lecture में, that is causes कि क्या क्या reasons होते हैं जिसकी वजह से एक business को risk होता है and what are the different types of risk for a business. क्या अलग अलग तरीके के risk होते हैं एक business के लिए, right? And this is the last part of unit 1. ये जो है आपके यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी हियर विद द डायग्राम दैट अदर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर ऑफ टू आर ऑफ फोर. देर आर फोर कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट इज नेचुरल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज. दिस आर द फोर कॉजेज ऑफ रिस्क फॉर अ बिजनेस. ये चार कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के, ठीक है? एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस कॉजेज. वेरी फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज एंड एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो नेचुरल कॉजेज मतलब जो चीजें ऐसी चीजें जो कि नेचुरली होती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसे आप जो है रोक नहीं सकते हो, दैट आर नेचुरल कॉजेज. ओके, सो नेचुरल कॉजेज आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि होते हैं फायर. अब एक बिजनेस जो होता है उसमें, जैसे कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर आग लग सकती है, कैन यू स्टॉप दैट? आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, राइट? थेफ्ट होता है, जैसे कि चोरी हो गई, देन अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब क्या है? नेचुरल कॉजेज है. सो इनसे बिजनेस को लॉस हो सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर रिस्क फॉर अ बिजनेस. रिस्क क्या होता है? ऐसी चीजें जो कि पॉसिबली एक बिजनेस को लॉस दे सके, दैट आर रिस्क. तो ये जो चीजें है जैसे कि फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारी चीजें जो है एक बिजनेस को लॉस जो है वो हो सकता है उस बिजनेस को, दैट इज व्हाई दे आर नेचुरल कॉजेज ऑफ अ बिजनेस. सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेज. अब ह्यूमन कॉजेज इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस होता है, उसमें जो लोग काम करते हैं, ह्यूमन जो काम करते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी वजह से भी एक बिजनेस को लॉस हो सकता है. अब जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, एक XYZ कंपनी है, ठीक है? अब उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें उस कंपनी के सीक्रेट भी पता हो सकते हैं एंड दे कैन रिवील दैट पर्टिकुलर सीक्रेट टू एन अनादर कंपनी. तो उसकी वजह से एक बिजनेस को लॉस हो सकता है, राइट? सो दे आर टर्म्ड एज ह्यूमन कॉजेज. ठीक है, जब एम्प्लॉयज की वजह से जो एक बिजनेस को रिस्क होता है लॉस होने का, दे आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन कॉजेज. अब इसके अंदर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फैक्ट्री होते हैं, उसके अंदर फैक्ट्री होती है, उसके अंदर लेबर्स काम करते हैं, तो लेबर्स जो होते हैं फॉर सम रीजन वो स्ट्राइक वगैरह पे चले जाते हैं, तो उस वजह से प्रोडक्शन रुक जाता है, उस फैक्ट्री का काम रुक जाता है, जिसकी वजह से उस बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, राइट? सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, दैट इज ह्यूमन कॉजेज. ओके, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज. अब जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी होती है एक गवर्नमेंट की, जैसे कि सबसे रिसेंट जो आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, जैसे अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो इतने सारे चाइनीज ऐप्स बैन किए हैं, पहले वो इंडिया में चल रहे थे, ठीक है? उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, वो अपना बिजनेस यहाँ पर अच्छे से चला रहे थे, बट जैसे ही हमारी इंडियन पॉलिसी चेंज हुई, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, तो उन ऐप्स को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, राइट? सो दैट आर इंक्लूडेड इन दिस इकोनॉमिक कॉजेस. अब यहाँ पर आप ये चीज भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस की जो डिमांड होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, राइट? पहले हम कुछ और, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना? अगर ये जो चेंजेस है वो आपके बिजनेस में के फेवर में हो,
तो एक बिजनेस को किसी तरीके का लॉस नहीं होगा, बट अगर वो आपके फेवर में ना हो तो ऑब्वियसली चांस होता है एक बिजनेस को लॉस होने का, सो दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉजेस। नेक्स्ट लास्ट वन इज फिजिकल कॉजेस। अब फिजिकल कॉजेस मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे सिंपल एग्जांपल आप मशीनरीज का ले सकते हो। अब एक मशीनरी जो है वो प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जा रही है, अगर उस मशीनरी को अगर वो मशीनरी जो है वो डैमेज हो जाती है, या फिर बिकॉज ऑफ सम रीजन एम्प्लॉयज के मिस्टेक की वजह से अगर वो मशीनरी खराब हो जाए, या फिर किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे भी एक लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड दे आर इंक्लूडेड इन दिस फिजिकल कॉजेस। सो दिस आर द फोर कॉजेस ऑफ रिस्क टू अ बिजनेस। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस को लॉस हो सकता है, दैट इज नेचुरल, ह्यूमन, फिजिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस रिस्क इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। यू कैन सी देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क। दिस आर द फोर टाइप्स। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसे रिस्क जिसका लॉस आप रिकवर कर सकते हो उन्हें हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिस्क, दोज रिस्क जिसका हम लॉस जो है रिकवर कर सकते हैं उसे हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो अभी मैंने यहाँ पर आपको फायर का दिया था, ठीक है, आपको पता है फायर इंश्योरेंस होता है, राइट? तो अगर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में, एक कंपनी में अगर आग लग जाती है, ठीक है, तो उस आग से होने वाले नुकसान को, लॉस को आप रोक नहीं सकते हो। लॉस होगा आपको पता है, बट वो लॉस होने के बाद आप उसको रिकवर कर सकते हो अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो क्या करेगी, आपके लॉस के लिए आपको कंपेंसेट करेगी। तो ये आपने क्या किया है, आपके लॉस को रिकवर किया है, राइट? सो दोज रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आर टर्म्ड एज इंश्योरेबल रिस्क। और यहाँ पे ये जो नेचुरल और फिजिकल रिस्क होते हैं, ये जो नेचुरल और फिजिकल कॉजेस होते हैं, दे कैन बी इंश्योर्ड, इनको हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमने पढ़ा था ह्यूमन वाला, ठीक है, अब एक एम्प्लॉई ने जो है वो कोई एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके कंपनी की किसी दूसरे कंपनी को दे दिए जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, तो क्या आप इसका इंश्योरेंस ले सकते हो? नहीं। सो दिस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉजेस कैन नॉट बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। फिजिकल एंड नेचुरल कॉजेस कैन बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट टाइप इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क, मतलब जिन्हें जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं, या फिर ऐसा रिस्क जिसकी वजह से लॉस होने की वजह से आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क। सिंपल इट इज। थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ रिस्क इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं, अब जैसे इट इज रिलेटेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और प्रॉफिट, मतलब ऐसी चीजें जिससे आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे आप आपका बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आपका इनिशियल कैपिटल डाला है, मतलब आपने कुछ पैसा लगाया होगा, इन्वेस्ट किया होगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब वो पैसा आपके पास आएगा या नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस होगा या फिर क्या होगा, ये क्या है, स्पेक्यूलेटिव है। तो इसे हम कहेंगे स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं, डिमांड पैटर्न्स होते हैं, अगर जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप प्रोडक्ट या फिर गुड सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो करंट सिनारियो के हिसाब से, मतलब जिसका डिमांड अभी है मार्केट में, तो ये क्या होगा, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। अगर ये चेंजेस जो है वो आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन लॉस, सो दे आर टर्म्ड एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिस्क इज प्योर रिस्क।
अब इसके अंदर किसी तरीके की आप पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर जैसे एग्जांपल अगर आग लगी है, देख ठीक है, आपके फैक्ट्री में आग लगी है तो उससे आपको लॉस होगा। अगर आग नहीं लगी तो आपकी फैक्ट्री को किसी तरीके का लॉस ही नहीं होगा। इसका मतलब इफ देयर इज अकरेंस देयर इज लॉस, इफ देयर इज नो अकरेंस देयर इज नो काइंड ऑफ लॉस एंड दिस आर इंक्लूडेड इन प्योर रिस्क। मतलब अगर ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो आपको लॉस होगा, नहीं आती है तो आपको लॉस नहीं होगा। दैट आर टर्म्ड एज प्योर रिस्क। आई होप आपको ये चारों टाइप के रिस्क जो है वो समझ आ चुके हैं। एंड ऑल्सो दिस फोर कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क एंड दिस विथ दिस वी हैव कम्प्लीटेड यूनिट वन ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके एंड इन माई नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट टू। ओके थैंक यू।